पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज एक बहुत ही भीषण आपदा का शिकार उत्तराखंड हुआ है। और सुबह जब मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहा था 11:20 के आसपास, तो सोशल मीडिया पर मुझे इसकी खबर मिली और हमने तत्काल वहां जिला प्रशासन से संपर्क कर उसको कंफर्म करने की बात की। तो क्योंकि वो भी रास्ते में थे तो पता चला कि वहां पर एक ग्लेशियर टूटने से, खंडित होने से भारी नुकसान की संभावना है। ये ऋषि गंगा रेणी गांव के दो पार्ट हैं, एक ऋषि गंगा के बाएं भाग में है, एक दाहिने भाग में है, एक सड़क पर, एक सड़क से ऊपर है। तो वहीं पर ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था जो 13 मेगावाट से थोड़ा अधिक था, अभी 2020 में ही ये कमीशन हुआ था और इसमें लगभग 35 लोग काम करते थे। वहां पर हमारे पुलिस के भी 4 जवान सुरक्षा में थे, 2 तो छुट्टी पर थे क्योंकि 2 की ड्यूटी लगती थी और 2 वहां पर थे। तो दोनों के दोनों मिसिंग हैं और 29-30 के करीब जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम करते थे वो लोग मिसिंग हैं। उसी से लगभग 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन में ये एनटीपीसी का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था और इसमें काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जो मोटी मोटी जानकारी है कि 176 मजदूर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे और वहां पर 2 टनल हैं, एक टनल में 15 लोग, क्योंकि वो संपर्क में आ गए मोबाइल पर तो 15 लोग थे, और दूसरी टनल में अनुमान है कि 35 लोग संभावित हैं। जब ये एवलॉन्च आया तो 35-40 लोगों का अनुमान है कि वो, जब लोग चिल्लाए, शोर हुआ, गांव जो आसपास जो ऊपर जो गांव थे उन्होंने वहां से आवाजें दी, तो 35-40 के करीब लोग वहां से वापस आ गए, कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया। एक हल्का घायल है, थोड़ा सदमा भी हो सकता है लेकिन कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है और अभी तक 7 बॉडी रिकवर हुई है। जो दूसरी जो टनल है जिसमें 35-40 के करीब लोग, 35 के आसपास की संभावना है, वो बहुत मलबा वहां आने से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था, लेकिन हमारे आईटीबीपी के जवानों ने रोप के सहारे वहां पर उतरे। सड़क वहां तक है लेकिन इतना मलबा है कि उसमें किसी भी मशीन का जाना ये संभव नहीं है, मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया, वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं, एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है, वो जौली ग्रांड से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है, कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे।
मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के पैरामिलिट्री फोर्सेस की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं, जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं और मेरे साथ यहां से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक जहां तक जाया जा सकता है वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषि गंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहां 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, 1 वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां पर ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं, देहरादून में भी तैनात हैं। आईटीबीपी उत्तरकाशी महीडांडा उनको भी अलर्ट किया गया है और तमाम जो हमारे मेडिकल टीम है ये सब वहां के लिए सबको तैयार किया गया है। गौचर जो जो हमारा आईटीबीपी का वहां पर भी 90 जवान हैं जो वहां के लिए निकल गए हैं। इस तरह से सेना के जवान भी वहां से, मैंने जैसे पहले बताया कि सब वहां पर सब लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन जब मैं हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता वो सहयोग भारत सरकार करेगी। अमित शाह जी का भी आया, अमित शाह जी के भी 2 बार फोन आए और अभी जब मैं देहरादून में जब मैं मीडिया यहां अपना जो सेंटर है उसमें पहुंचा तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी काफी फोन आया, उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी, उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी सबने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं। साथ ही हमारे जो उद्योगपति हैं अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी जी के बेटे, उनका भी बिल्कुल अभी अभी जब मैं यहां पहुंचा इस कैंपस के अंदर तो उन्होंने कहा हम अपने फाउंडेशन के लोग भेज रहे हैं, किसी तरह की भी सहयोग अगर देवभूमि के लिए आवश्यकता है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने कहा जितने भी कोई अनाथ बच्चे हों, कोई वो हों तो हम उसको उनको गोद लेने के लिए योगपीठ तैयार हैं, उनके हम शिक्षा दीक्षा उनके लिए हम लोग तैयार हैं और तत्काल कोई अगर आवश्यकता है तो उसके लिए उन्होंने कहा कोई भी अगर आवश्यकता वहां पर है तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो मैं तो 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा, एक तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा इसलिए कि किसी तरह की भी कोई अफवाह फैलाने में जो फैल जाते हैं ऐसे मौकों पर और उसके कारण जो पैनिक क्रिएट होता है, मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत संभल करके और बहुत अच्छे तरीके से मीडिया ने साथ दिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत जितनी भी मैं प्रशंसा करूं, जितनी भी मैं आपका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं कम होगा। और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी।
देखिए ऐसा है कि अभी स्थानीय लोगों की अभी तक जो जानकारी, अभी मैं बिल्कुल ऑथेंटिक पूरी तरह नहीं बोल सकता, लेकिन स्थानीय लोगों की 5 लोग हैं, क्योंकि वहां पर वीकली ऑफ रहता है तो स्थानीय लोग संडे को छुट्टी ले लेते हैं, स्थानीय लोग भी काम करते हैं वहां पर, लेकिन आज वो अवकाश पर थे संयोग से सबके सब लोग। तो स्थानीय लोगों की जो 5 लोग जो रेणी गांव में हुए हैं उनमें 2 लोग तो, इसके अलावा पर 180 भेड़ बकरियां भी वहां पर इसमें बह गई हैं, 180 30 एक की और 150 दूसरों की जो अभी तक जो जानकारी मिली है, और उनके जो चरवाहे थे वो भी उसमें चले गए, 1-2 महिलाएं घास वास काट रही थी तो चली गई, तो कुल मिला के 5 की वहां पर अभी तक अपुष्ट जानकारी वहां पर उसकी है। सर इस बात का असेसमेंट हो पाए कि हमें किस किस बात की जरूरत है, हमें किस किस चीज की जरूरत है? देखिए वहां पर अभी जो जरूरत है वो पूरी हमारे पास उपलब्ध है, डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास ITBP SDRF NDRF सेना ये सब हमारे पास है, हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, जो जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है, और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। देखिए अभी हम अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था, लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जो जिन लोगों की को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। सर यह बताया गया कि घटना जो है ये आप बता रहे हैं 11:20 में आपको सोशल मीडिया में मिली, 10 बजे की घटना थी, 1:20 में। देखिए अभी घटना ऐसा है कि ये घटना 9:30-10 बजे की हो सकती है, लेकिन जो मुझे क्योंकि जिला प्रशासन भी उधर दौड़ा और हमारा जो ये जो हमारा आपदा प्रबंधन केंद्र है यहां पर खबर आ गई थी, लेकिन मैं बाहर था, वो एक्टिवेट हो गया पूरा, हमारे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और तमाम हमारे सेक्रेटरीज लगातार संपर्क में, लगातार वो मुझे जानकारी दे रहे थे फील्ड से, और हम लोगों का संवाद अभी जब मैं इधर इंटर कर रहा था तब भी मेरे को वहां से सूचना मिली, जब मीडिया सेंटर में मैं अंदर प्रवेश कर रहा था, तो लगातार संपर्क में है, संवाद बहुत बेहतर कायम है। देखिए अब जो पानी की स्थिति है तो रुद्रप्रयाग से पीछे अब पानी एकदम साफ पानी है, जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहां तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी, लेकिन आते समय पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है उसके पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे, तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था, तमाम जो हमारे नदी गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था, और जैसे रिवर राफ्टिंग है उसको सबको उसको हरिद्वार इस केस तक, और यूपी सरकार से भी सुबह ही बात हो गई थी कि वो गंगा के किनारे जो भी ऐसे स्थान है वहां पर सतर्कता बरतें। मिसिंग लोग कितने बताए हैं? देखिए अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं, तो ऊपर क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन्ड हो चुका था वो काम उस पर चल रहा था, उस पर एक 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे, उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं, तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है, लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बचे ही नहीं है कि कागजों के आधार पर कुछ कह सकें सारा। सर क्या कुछ आकलन किया गया है कि कितना नुकसान हुआ? देखिए अभी मैंने कहा ना हमारा ध्यान अभी रेस्क्यू पर है, आकलन होता रहेगा, आकलन
अभी प्राथमिकता नहीं है। ठीक है सर, वो मैंने बताया था।